हे गाइस, मेरा नाम है ईशान एंड आप देख रहे हैं आई मी माई सेल्फ। एंड आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ इस 7 इंच के डबल डिस्क इंफोटेनमेंट सिस्टम का, जो कि आपको Hyundai प्रोवाइड करती है द ऑल न्यू 2020 सेंट्रो में। एंड ये है सेंट्रो का स्पोर्ट्स वेरिएंट। सो आज के इस वीडियो में मैं पूरा इस इंफोटेनमेंट सिस्टम का रिव्यू करने वाला हूँ, सुनाऊंगा आपको इसका म्यूजिक आउटपुट एंड सारे फीचर्स जो कि इसमें लोडेड है। सो गाइज, अगर आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये वाली वीडियो टिल एंड देखनी पड़ेगी। एंड अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज कोई बात नहीं, वीडियो के एंड में आपको इस वीडियो को लाइक करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके गाइस, तो ये है स्टीरियो का पूरा फर्स्ट लुक, जो कि आपको एज एन कार ऑन करने पे दिखने को मिलेगा। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ऑन होता है और कोई भी ओपनिंग स्क्रीन आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की। देन आपको नीचे यहाँ पे कुछ बटन्स देखने को मिल जाएंगे, लेट मी एक्सप्लेन इट। तो यहाँ पे आपको ट्यूनिंग बटन मिलेगा, ठीक है, जैसे आप ट्यून कर सकते हैं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। देन यहाँ पे इसका पावर का बटन है, ठीक है, ऑन ऑफ का। एंड देन यहाँ पे वॉल्यूम का भी इसमें आपको फीचर जो है देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे है बटन रेडियो का, वंस अगेन ऑन हो चुका है। देन यहाँ पे है मीडिया का ऑप्शन, मीडिया के थ्रू आप जो भी इसमें जो सेव्ड चीज़ें हैं, यानी कि जो भी आपका जो आपकी जो डिवाइस लिस्ट के जो सॉन्ग्स हैं वो आप इसमें बजा सकते हो मीडिया के थ्रू, ठीक है। देन यहाँ पे ट्रैक का ऑप्शन है, ट्रैक के ऑप्शन पे आप ट्रैक अप कर सकते हो, देन सीक कर सकते हो पिछला वाला ट्रैक जो भी आपका था। देन फ़ोन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ फ़ोन का दिख जाएगा पूरा फीचर। तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन है वो कनेक्ट हो जाएगा, मैं आपको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। लेट्स क्लोज इट, वन सेकेंड बैक चलते हैं गाइस। तो आपको कुछ इस टाइप का साउंड देखने को मिलेगा, इस टाइप का कुछ। ओके गाइस, तो अब बात करते हैं यहाँ की मेन स्क्रीन की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैलेंडर, ठीक है, जो कि आपको शो करेगा डेट एंड टाइम। देन यहाँ पे जो स्क्रीन है वो आपकी प्रेजेंट थिंग दिखाएगी, जो भी आप चला रहे हो अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम पे। जैसे कि अभी मैं मोड पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये FM पे आ जाएगा। देन द नेक्स्ट मोड इज़ अपना AM एंड द लास्ट इज अगेन माई म्यूजिक। यहाँ पे है ऑल मेन्यूज़ का ऑप्शन, ऑल मेन्यूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सारे मेन्यूज़ करके देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे फ़ोन ऑप्शंस है, रेडियो है, म्यूज़िक है। ओके एंड गाइज, मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट्स वाले मॉडल में, यानी कि सेंट्रो के स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको बैक कैमरा नहीं मिलेगा, वो आपको इसके एक मॉडल ऊपर वाले में मिलेगा। एंड तो इसमें जो है आपको बैक कैमरा का आउटपुट नहीं मिलेगा, बट यू कैन इंस्टॉल एन आफ्टर मार्केट बैक कैमरा और उसको ये सपोर्ट कर देगा। सेटिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साउंड सेटिंग्स, साउंड ऑप्टिमाइजेशन, डिस्प्ले, फ़ोन प्रोजेक्शन आप कर सकते हो, यानी कि मिरर लिंक आप सिंपली कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको उसके लिए अपना एक मिरर लिंक अनेबल्ड जो है ऐप वगैरह फ़ोन में इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन यू आर गुड टू गो, यस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे अनेबल मिरर लिंक हो जाएगा। देन यहाँ पे है एप्पल कारप्ले का ऑप्शन गाइस। तो एप्पल कारप्ले भी, अगर आपके पास iOS का फोन है तो आप आसानी से एप्पल कारप्ले चला सकते हैं। एंड्रॉइड ऑटो भी है, तो बहुत ही परफेक्ट फीचर है गाइस। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज़ की, तो है साउंड ऑप्टिमाइजेशन। साउंड ऑप्टिमाइजेशन में आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जैसे कि ड्राइवर का साउंड आपके लिए हो जाएगा, ये ऑल सीट्स का हो जाएगा, इसको आप कस्टम भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। देन यहाँ पे डिस्प्ले का ऑप्शन है, डिस्प्ले पे आप डे लाइट, ब्राइटनेस, ऑटो इल्यूमिनेशन सब कुछ चेक कर सकते हैं। और ये इसका डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट पे मैं लगा देता हूँ। देन चलते हैं बैक, तो यहाँ पे कस्टम बटन्स, सो आप अपने चीज़ों के लिए कस्टम बटन भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोन प्रोजेक्शन के लिए एंड होम स्क्रीन, माई मेन्यू, इन सब चीज़ों के लिए कस्टम बटन सब कर सकते हो। सो बैक आते हैं, अब गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा फ़ोन का फीचर। तो फ़ोन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ब्लूटूथ सेटिंग्स कर सकते हो, फैक्ट्री सेटिंग्स कुछ मिलेंगे आपको यहाँ पे। देन फ़ोन प्रोजेक्शन मैंने आपको बता दिया। देन ये है डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम में आप यहाँ से सिंपली अपना कैलेंडर के अकॉर्डिंग चेक सेट कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा इसका गाइस इंटरफेस पूरा ओवरऑल आता है। एक तो एक्चुअली ब्लू थीम पे डिज़ाइन है, जिसपे Hyundai की सारी कार्स हैं, और ब्लू थीम के साथ ये जो कैलेंडर का जो फिनिश है बिल्कुल एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन जैसा लगता है। सो बहुत परफेक्ट फीचर है गाइस ये। और देन यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाएगा, हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, इससे ऊपर इसमें और कोई भी लैंग्वेज नहीं, बिकॉज द कार इज़ फॉर इंडिया। सो इंग्लिश पे मैं कर देता हूँ। लेट्स गो बैक, बैक जाने पे आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको सेटिंग्स का मिल जाएगा, ठीक है, चलिए बैक चलते हैं। देन यहाँ पे अगेन सेटिंग्स है, सेटिंग्स में आप वही सारी चीज़ें वापस से सेट कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पे स्क्रीन सेवर मिल जाएगा, कीबोर्ड एंड रिमोट लॉक सिस्टम इन्फो। सो ये देखिए सिस्टम इन्फो है इसकी, आपको जो अवेलेबल स्पेस है वो 1088 MB है इसकी अवेलेबल स्पेस। सो अब मैं आपको स्क्रीन सेवर दिखाना चाहूँगा, तो बढ़िया फीचर है। स्क्रीन सेवर में आप एनालॉग स्क्रीन लगा सकते हैं या फिर अपनी क्लॉक लगा सकते हैं, तो मैं एनालॉग अभी सेट कर देता हूँ। सो गाइस, जो हम लोग ने एनालॉग वाला सेट किया है उसको आपको अगर देखना है तो आप डिस्प्ले ऑफ पे क्लिक करेंगे, सो यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉग क्लॉक आ रही है, एंड जैसे अगर आपको डिस्प्ले चाहिए तो यू कैन जस्ट टच इट, तो यहाँ पे आपका डिस्प्ले जो है वापस आ जाएगा।
सो अब बात करते हैं अगले फीचर की। तो अगला फीचर जो अपना होने वाला है वो होने वाला है माई मेन्यू। ठीक है, जैसे आप माई मेन्यू पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अपनी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एडिट पे आप क्लिक करेंगे तो आप माई मेन्यू में अपने मन की चीज़ें लगा सकते हैं, लाइक मिरर लिंक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार्प्ले एंड फोन। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एप्पल कार्प्ले पे क्लिक किया तो ये जो है अब इधर इधर आ गया, एंड्रॉयड ऑटो भी इधर आ गया, वन सेकंड गाइस, मिरर लिंक भी इधर आ चुका है। देन मैं यहाँ पे इमेजेस वीडियोस ले लेता हूँ, वीडियो इधर आ चुका है। अब बैक चलते हैं। तो अब आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे माय मेन्यू पे, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी गाइस कार में। तो अब चलिए मैं आपको इसका साउंड आउटपुट सुनाता हूँ। सो फाइनली गाइस, मैंने अपने फ़ोन को इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट कर लिया है एंड चलिए आप सुनते हैं एक फ्रेश ट्रैक और देखते हैं कि कितना ज़्यादा ये इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है कार में लगे 4 स्पीकर्स को। सो लेट्स स्टार्ट। Myself and I stay. I'm a pretty boss who gon' lose your brain waste. I'm a freak in the sheets, but I got class. I'ma grab a mess if you want it. Yes, you will have. Guys, literally, car mein itna achha bass hai कि आपको मज़ा आ जाएगी गाइस, कोई भी आप ट्रैक चला दो। एंड इस ट्रैक में स्पेशली बहुत बेस था। अगर आपको अच्छे से नहीं अभी भी पता चल पाया है इसकी पावर, सो आप प्लीज़ हेडफोन्स लगा के एक बार फिर से वो ट्रैक सुन लीजिए, क्योंकि मैं अभी कार के अंदर बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ और मुझे मज़ा आ गया गाइस। अभी तक मेरे मन में इस कार को या फिर इसके इंटीरियर को, इंफोटेनमेंट सिस्टम को लेके अलग ही रिव्यूज़ थे, बट यहाँ पे इसकी म्यूज़िक क्वालिटी एंड इसकी सारी फंक्शंस जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। एंड समहाउ आई हैव प्रूवन रॉन्ग। सो या काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एंड अगर आप एक म्यूज़िक पसंद करने वाले हैं और आपको अपनी कार पे एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना है बिल्कुल भी, मतलब जैसे आपने स्टॉक कार कंपनी से लिए वैसी ही चाहिए, तो गाइज़ यू शुड गो फॉर इट। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं पोर्ट्स के बारे में। तो आपको यहाँ पे एक यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाएगा गाड़ी में, सो आप यूएसबी के थ्रू इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से गाइस यहाँ पे आपको ऑक्स पोर्ट वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। सो वैसे भी गाइस आजकल ऑक्स कोई भी यूज़ करता नहीं है, एंड यूएसबी है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो ये आपको यहाँ पे खाली कार में यूएसबी पोर्ट देखने को मिलेगा। ओके गाइस, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंट्रोल्स जो कि आपको स्टेयरिंग पे मिल जाते हैं फॉर द ऑडियो सिस्टम। ठीक है, तो मैंने ऑडियो सिस्टम का आपका पूरा रिव्यू दिखा दिया है। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे कंट्रोल्स की। तो सबसे पहले आपको राइट साइड में जो कंट्रोल मिलेंगे वो मिलेंगे मोड के एंड सीक के। सो आप देख सकते हो मैंने मोड पे क्लिक किया, सो वहाँ पे जो है ब्लूटूथ से ऑडियो हो जाएगा, ऑडियो से FM हो जाएगा, देन अगेन ब्लूटूथ पे आ गया है। ओके, देन यहाँ पे आपको सीक का मिलेगा मोड। जैसे आप इस पर करेंगे तो आपके जो ट्रैक्स हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं इस वाले बटन से। देन लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो लेफ्ट साइड में आपको एज यूजुअल वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिलेगा, देख सकते हैं वहाँ पे अप डाउन हो रहा है। देन ये है म्यूट का बटन, सो आई कैन म्यूट द ऑडियो ओवर हेयर। एंड आपको म्यूट करने का यहाँ पे बेसिकली दिख जाएगा कि ऑडियो म्यूट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन कि ऑडियो म्यूट हो चुकी है। देन यहाँ पे आपको नीचे जो ऑप्शंस मिलेंगे कॉलिंग ऑप्शंस, लाइक यहाँ से आप कॉल अपने हैंग अप एंड कॉल उठा सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका वॉइस कमांड वाला फीचर है, सो वॉइस कमांड वाला फीचर बहुत अच्छा है। एंड ये फीचर तभी ओपन होगा जब आपकी कार एंड्रॉयड ऑटो या फिर एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड होगी। एंड ये देख सकते हैं कि सो ऐसा कुछ फीचर्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे स्टेयरिंग पे। एंड देख सकते हैं आप स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स के आसपास जो पूरी फिनिश दी गई है वो भी हुंडई के थ्रू बहुत अच्छी दी गई है। एंड ये सब चीज़ें मैं इस कार के पूरे फुल रिव्यू में आपको दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, ये था एक इन्फॉर्मेटिव रिव्यू ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आपको सेंट्रो के स्पोर्ट्स वेरिएंट में देखने को मिलेगा 2020 में। और कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं मैंने इसका एक फुल रिव्यू कर दिया है, सारे फीचर्स कवर हो गए हैं, सो प्लीज़ इस वाली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सपोर्ट करते रहिए। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।